हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंजीनियर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्टैट प्रो में कोई भी मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसके बाद अगर कोई क्लाइंट आपसे मांगता है कि उसकी डिज़ाइन का आउटपुट फाइल दीजिए, तो वो हम लोग स्टैट के सॉफ्टवेयर से हम लोग आउटपुट फाइल कैसे निकालते हैं और उसके कुछ अदर इंफॉर्मेशंस की डिटेल कैसे निकालते हैं, चलिए उसको शुरू करते हैं। मैं कोई रीसेंट मॉडल उठा लेता हूँ बना हुआ जो ऑलरेडी एनालाइज हो। ये एनालाइज नहीं है, मैं इसे एनालाइज कर देता हूँ। मैं सपोज करता हूँ ये मॉडल मेरा एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना पड़ा है। ओके, और अगर कोई क्लाइंट आपसे, जब आप किसी क्लाइंट का काम लेके खुद डिज़ाइन करते हैं तो कभी कभी क्लाइंट आपसे बोलता है कि हमको वो डिज़ाइन का आउटपुट फाइल दीजिए जिसके बेसिस पे आपने स्टैट में डिज़ाइन किया है, तो आपको स्टैट का ही आउटपुट फाइल का डिज़ाइन देना पड़ता है। तो उसको एनालाइज करके हम लोग निकालते हैं। ये देखिए फाइल हमारी रन होने लगी है, ये थोड़ा टाइम ले रही थी उस टाइम। व्यू आउटपुट फाइल डन। यहाँ पर देखिए ये आपको थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट। आप इसका कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका एडोब पीडीएफ है या जो भी कुछ है। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है उन्होंने में। ये देखिए ये एक्चुअली में इधर ही आ गए थे डेस्कटॉप पे। मैं अगर मान लीजिए इसको सेव करता हूँ, सेव, ये अब क्रिएट कर रहा है पीडीएफ। ये मेरा देखिए फाइल सक्सेसफुली बन चुका है पीडीएफ और ये ओपन भी हो चुका है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्टैट का आउटपुट फाइल है, जो हमको मतलब जब भी कोई डिज़ाइन मांगता है तो हम उसको यही फाइल देते हैं। कभी कभी क्लाइंट आपसे इनपुट फाइल भी मांगता है तो इनपुट फाइल में आप लोग अपना स्टैट प्रो की फाइल देते हैं। वैसे इसमें भी वही चीज़ें लिखी होती है जो आपके स्टैट के इनपुट में होती है। देखिए स्टैट एडिटर जब आप खोलते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ जो भी मेंबर की प्रॉपर्टीज, सीस्मिक लोडिंग्स, जो भी कुछ आप लगाते हैं वो सारा इसमें लगा होता है। ये देखिए ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया है। ये आपका यहाँ पर देखिए आकर के आपका डिजाइन खत्म होता है, उसके बाद ये आप अपना डिजाइन की कमांड लगाते हैं जो भी कुछ है स्टैट एडिटर में या स्टैट प्रो में। यहाँ से आपका बीम का रिजल्ट चालू हो गया डिजाइन का, ठीक है। सिमिलरली ये सारे बीम ही हैं हमारे, बीम के डिज़ाइन हमारी बिल्डिंग में जितने ही बीम हैं वो उन सबका डिज़ाइन हुआ पड़ा है। और इसके बाद हमारा फिर कॉलम का डिज़ाइन आएगा, ये अभी हमारा बीम ही चल रहा है। ये देखिए अब हमारा कॉलम चालू हो चुका है, कॉलम का डिज़ाइन है ये।
ये हमारा कॉलम का डिज़ाइन था, और इसके बाद लास्ट में एक हमारा होता है क्वांटिटी का, कि आपकी इसमें कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा और डाया के अकॉर्डिंग कितना वेट ऑफ स्टील यूज़ हुआ। तो ये था हमारा स्टैट का आउटपुट फाइल, जो हम लोगों को मेनली मतलब डिज़ाइन पर्पज से हमको ये सबमिट करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।